राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां धमतरी में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी आज। गंगरेल बांध रिजॉर्ट में यह बैठक होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी रहेंगे मौजूद। मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन होगा। तो धमतरी में बीजेपी की बड़ी बैठक, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है शामिल होंगे, और बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। तो नेहा केशरवानी रायपुर से संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, बीजेपी की ये बड़ी बैठक अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक गंगरेल में होने जा रही है। और बैठक में यदि हम मुद्दों की बात करते हैं तो खासतौर से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। मुद्दे होंगे शराबबंदी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, आदिवासी आरक्षण और धर्मांतरण, इस तरीके के मुद्दे हैं। इसको लेकर के एक फाइनल प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। खासतौर से ये बैठक जो है वो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ले रहे हैं। और जो इस पूरे बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 25 पदाधिकारी जो हैं, जो वरिष्ठ नेता है, केवल वही शामिल होंगे। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए भी है क्योंकि वरिष्ठ नेता जो काफ़ी चुनावी रणनीतियों को लेकर के काफ़ी अनुभवी हैं, वो नेता जो है वो इस बैठक को लेने के लिए जा रहे हैं। तो आज गंगरेल में थोड़ी सी ये बैठक गोपनीय भी रखी गई है, क्योंकि आज के बाद इस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे तरह से एक्शन मोड में आ जाएगी और लगातार जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। और इन मुद्दों में वो भी शामिल होंगे जो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया है, उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बैठक गंगरेल में होने जा रही है और इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं कि इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए वे आज रायपुर आ सकते हैं। तो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो आज ये बैठक लेंगे और बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक एक्शन। बिल्कुल, तो ये बैठक अपने आप में बेहद खास और आगे की 2023 के चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।